सर गाड़ी पार्क है कहाँ पर? आएंगे भैया सर गाड़ी पार्क है भैया, गाड़ी पार्क वगैरह कहाँ पर लगा सकते हैं? पार्क के लिए तो आप इधर से कहाँ से आए पीछे? रानीखेत से। रानीखेत से? रानीखेत का पीछे भी है यार। ओके सर। हाँ और इधर भी है। ओके सर। भैया हाँ सर, क्या नाम से है? सूरज लखड़ा ब्लॉग्स। वाह भाई वाह, नाइस टू मीट यू यार। मिला ले भी और क्या है तो दोस्त पीछे खड़े करके आ जा, तब आ जा मेरे पास, तब करते हैं ब्लॉग में, दोनों भाई मिलाते करते हैं। ओके थैंक यू सर। इधर की ना ठीक है सर। हम भी तो ब्लॉगर है भैया सर, हम आगे डाल लगा देते हैं। ओके सर आ जा जा दोस्तों, पुलिस आ रहे थे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल नीरज लखेड़ा ब्लॉग्स। दोस्तों आई होप आप कुशल मंगल होंगे। तो अभी और क्या है, टाइम सुबह के 11 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं बगवाली पोखर मेले में, क्योंकि वहाँ बगवाई मेला चल रखा है। और कितने दिन हो गए हैं? 3-4 दिन हो चुके हैं वहाँ। चार दिन का मेला है, 2 दिन हो चुके हैं और लास्ट 30 तारीख को ख़त्म है। तो हम जा रहे हैं बगवाली पोखर मेले में और अभी हमें गगास, हम रानीखेत से आए गगास। गगास से 2 रोड कटती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को जाती है द्वाराट को और रानीखेत से आओगे तो, और राइट हैंड साइड को जाती है बगवाली पोखर को। तो दोस्तों हम वहाँ से आए बगवाली पोखर को। तो हमारे साथ हैं हमारे मित्र गण तरुण सर, हमेशा तरुण सर याद साथ रहते थे, तरुण सर की याद आती है। तो अभी यहाँ है तारा हमारे, आगे भी आ जाओ सर, यहाँ पर आ जाइए थोड़ा से। काफ़ी चश्मा इसमें पहन के तुम तो महंगे कदे ही बन रहे हो जहर। कच्चा हो तुम अच्छा। तो दोस्तों अभी हम बिना कुछ देरी करते हुए यहाँ से निकलते हैं बगवाली पोखर की तरफ को और आपको मिलते हैं बगवाली पोखर मेले में। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं हिलवे रेस्टोरेंट का, जो कि पीछे निकल चुका है, यहाँ पर बोर्ड लगा चुका है हिलवे रेस्टोरेंट। अभी हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं उस रोड से, हिलवे रेस्टोरेंट हमने पीछे क्रॉस कर दिया है और एक रेस्टोरेंट और आएगा अजी का, और उसका नाम तो याद नहीं है, क्योंकि हिलवे रेस्टोरेंट का नाम अजी का है ना, अच्छा है नाम है हिलवे रेस्टोरेंट, तो इसलिए उस नाम को हमने याद किया है। सारा सारा लगे हैं पीछे से लाइव आने पर इंस्टाग्राम पर, क्या मेरे को लाइव आगे क्या हटा दिया? तो हम अभी हल्के हल्के से चल रहे हैं, वह आपको मिलते हैं। आपको मिलते हैं कहाँ? बगवाली पोखर। अच्छा लगे अरे भैया ला। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ग्राम च्याली में, ऐसा हमें तारा सर बता रहे हैं। और गांव नाम क्या बता तुमने सर? च्याली यहाँ का गांव का नाम है सर। तो अभी यहाँ से आगे का व्यू होने वाला है मस्त वाला, और अभी हम हल्के से बगवाली पोखर यहाँ से है ओनली 5 किलोमीटर, और एक गाड़ी वाले को कब अकल आएगी, उल्टा सुल्टा ऐसा चला रहे हैं ना गाड़ी, अपने लाइन को छोड़ के ऐसे चला रहे हैं, ऊपर से गोली भी चला रहे हैं अभी। तो अभी हम निकल रहे हैं हल्के हल्के अपने रास्ते की ओर, लोग सब लगे हैं मेले में जा रहे हैं तैयार सज धज के, और सोच भी लगा है इधर, देख सकते हैं आप नीचे को है, ये देखो नीचे का स्विच लगा पूरा, और नज़र हटी तो दुर्घटना घटी आपने सुना ही होगा, तो मैं इसलिए नज़र हटा नहीं रहा हूँ अपने रास्ते की ओर। मेरा टारगेट है कि मैं आगे को जाऊँ सीधे, इधर उधर जाना का मेरा टारगेट नहीं है अभी फिलहाल। इधर देख सकते हैं नीचे को, घास वगैरह काट रखे हैं, इधर लूटे वगैरह लगा रखे हैं पेड़ में, पहाड़ में देख सकते हैं ऐसे लूटे लगाए जाते हैं, लूटे जिसे हम कहते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में सू लगा रखे हैं इधर को।
और यहाँ पर हम हल्के हल्के चल रहे हैं। अब आगे से आ गया मिडवे रेस्टोरेंट, जो कि काफी अच्छा, बाहर का व्यू तो अच्छा लग रहा है पर अंदर तो मैं गया नहीं, तो मैं बाहर बाहर का दिखा देता हूँ। यह है मिडवे रेस्टोरेंट। तो झगड़े पटकर नहा नहाएगी। अब बगाली पोखर में कौतिक देखे आज ये ब्लॉग ने पूरा पहाड़ी मना लिया आज। तो दोस्तों यार ब्लॉग बनाने वाला आज पहाड़ी में, ठीक से तारा तारा एक तारा घाट घाट है ऐसे मस्त हरी, में क्या बताऊं तुम्हें घा काटना बोला फन। आज उन्होंने कहा छोचो यार क्या घा काट लू, आज पहली पौती घुमा लू घा तो बाद में काटे चल। जो कुछ लोग जो घर का जो जिम्मेदारी समझ ली अब वह जरा घा काटने का तुमने ध्यान छो, बाकी जल्दी जल्दी घा काट रहा हूँ तैयार रहता कौटी देखें जाने सब जैसा मस्त तुमको बटुबन दिखा कौटी देखन ला रही बट बटुबन पुलिस वाले वैशाली जी जी। कोई गाड़ी उल्टा था इतनी चलाम है कोई कर उल्टा सुल्टा पी खा दो तो निजाम करो तो साहब पुलिस वाले आएगी बटुबन तैनात करी। और हाल हम बटुबन बार आम जाऊँ जामू क्योंकि अपन मोड़ बहुत ज्यादा थी हरी मोड़। तो यह क्या क्या है भाई अपन क्या था क्या भगवा पोखर आ गए आ गए रे भगवा पोखर आ गए पहुंचकर नहाई सर पहुंचकर नहाई रे नहाई वो कौती देखे चलो देखना आपको आपको जैसे मैंने दिखाया कि कौतिकार तो कभी यहाँ भी यहाँ से उल्टा आ रहे हैं कौतिकार मुझे समझ नहीं आ रहा मेल का मेला कहाँ है कहीं हम गलत जगह तो नहीं जाऊँ भाई। अब ये पर पत करूँ केवल छोब मेला होगा कमन से खैर वाले जा रहे हैं आगे से कब तक आइए पर मेला खेला फौतिक फौतिक हर मोड़ पर हॉर्न देना जरूरी है कि हॉर्न खतरनाक वाले आ जा रहे हैं रास्ते में। आर यू अंडरस्टैंड तारा सर कौतिक के कैसे बन दिखाए नहीं मैं यह ऊप तारा बैंक बगवाली पोखर है बगवाली पोखर तो हम पहुँच ही पाए। तो अभी हम लगे हैं रास्ते पर समझ नहीं आ रहे यहाँ से उल्टा आ रहे हैं पर कह रहे पता मेला कहाँ है तो आगे दोस्तों आगे पता करते हैं मेला कहाँ पर है। गुब्बारे वगैरह आगे लगे हैं तो शायद मेला भी आगे ही लगा होगा। अभी हम आपको मेला दिखाते हैं यहाँ का जबरदस्त वाला मेला वहाँ पुई वाला कुछ लेना है यहाँ से तो ले सकते हैं आप इधर लगा है वहाँ पुई दिल तेरा कुछ होता है आज यहाँ से लगी है भीड़ है कहीं मेरा चलान ना काट दे ऐसी काट देंगे चला गाड़ी पार्क है कहाँ पर भैया गाड़ी पार्क है भैया गाड़ी पार्क वगैरह कहाँ पर लगा सकते हैं पार्क के लिए तो आप इधर से कहाँ से आए पीछे रानी गेट से रानी गेट रानी गेट का पीछे भी है यार ओके है, हाँ, और इधर भी है ओके भैया हाँ सर नाम से मुझे लखड़ा ब्लॉग्स दोस्तों पुलिस वाले भी काफी अच्छे अच्छे मिले हमको यहाँ पर तो काफी बोलने चालने में भी अच्छे हैं अच्छा लगा पुलिस भी लगे हैं सेवा में और बाइक वगैरह का पहले इधर डालने का देखते हैं कहीं पे यहाँ पर पार्क वगैरह मिलता है और उसके बाद से दोस्तों आपको मिलते हैं दोबारा से जाएंगे हम सर के पास पुलिस वाले सर के पास काफी अच्छा लगा निशान मिल के
तो दोस्तों पार्क कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ लगाते हैं गाड़ी और उसके बाद से मिलते हैं आपको वहीं पर जाके। तो दोस्तों गाड़ी वगैरह हमने यहाँ पर पार्क कर दी है पीछे, अब चलते हैं आगे की तरफ को। दोस्तों इधर लगी है दुकान पूरा चारों तरफ से, ये हैं खिलौने बच्चों के। थोड़ा भीड़ हो रही है तगड़े वाली इधर। क्यों तारा सर काफी अच्छे थे यार पुलिस वाले भी हो, कहाँ हो? और वो पुलिस वाले अंकल तो चले गए हैं, हालांकि हम तो अपना ब्लॉग चालू करते हैं। अच्छा प्रकाश सर थे, उनका नाम था प्रकाश सर। इधर लग गया पूरे मार्केट, चले एक बार अंदर घूम के आते हैं। पूछा तुमने? वो सर हैं टीढ़ी गढ़वाल के और यहाँ उनकी पोस्टिंग हो रखी है द्वाराट में। द्वाराट में ना भगवाली पखर में इधर साइड में, तो यहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी। दोस्तों देख सकते हैं इधर पूरे कपड़े वगैरह ले सकते हैं आप यहाँ से। और इधर लग गया झूला वगैरह पीछे, यहाँ लगे हैं झूला है? अबे यार ये फालतू चीजें में ना कभी पैसा खर्च नहीं करना। ये वाला थोड़ा चीजें बोल रहा मैं, अरे वो खेल झूला खेल देना है, ये बेकार है खाली यार। तो दोस्तों अभी हम यहाँ बाल ठीक कर रहे हैं, अभी आज बाहर पे जा रहे हैं, ये तो बाल ही सही करते रहेगा। कोई तो दिख जाए यार आगे को भी पूरा लाइन लगे। और वह है सर प्रकाश सर, उधर पे आओ सर आ सर आ रहे हैं दोबारा से। तो सर मिले हैं हमको। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आप दोस्तों आप कहाँ से? यार भाई मैं इसी भगवानी पकड़ चौकी से हूँ और आप अच्छा लगा तो ब्लॉग बनाते हैं यार। हम भी थोड़ा कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको भी चैनल है? मेरा भी है जॉनी उत्तराखंड पुलिस करके है, जॉनी उत्तराखंड पुलिस करके चैनल है सर का। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं भी अभी शुरू कर रहा हूँ साइबर क्राइम और मोटिवेशनल स्पीच पे बोलने के लिए। हाँ मैं आप लोग को कुछ अच्छा बताऊँ क्राइम से संबंधित डालूंगा अपने जो भी मेरा नेक्स्ट भविष्य में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हैव अ नाइस डे एवरीवन। ओके दोस्तों अच्छा भी अच्छा मिला लगा सर आपसे मुझे नाइस डे। ओके सर दोस्तों को बोलना। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ से यहाँ पे आगे को भी घूमते हैं, ऐसे पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं जो इतने अच्छे से बात करते हैं, वो भी पहाड़ के ही हैं, इसलिए अच्छा लगा उनसे काफी मिलके। और अब चल रहे हैं हम आगे को भी चलते हैं, आगे को मेला दिखाते हैं। तो इधर को देख सकते हैं पूरी दुकानें लगी हैं आधे कपड़े की और इस चीज की। यहाँ से इधर को खत्म हो गया यार, इधर को ऐसा है पीछे को, तो आगे तक घूम के आते हैं, आगे तक दिखाते हैं आपको। तुम बाल सही कराते रहे कोई बड़ा यूट्यूबर मिल जाता ना मजा आता है। वो आए तो थे इधर का लोग भाई सर के आए थे, भीड़ देख सकते हैं दोस्तों कितनी जबरदस्त वाली होती है इधर। चलो आगे तक घूम के आते हैं, भीड़ देखते हैं कितनी होती है। यह लगे बर्तन वगैरह और कपड़े जूते की दुकान। जूते लेने हैं तो ले ले, अबे आगे दुकान नहीं लगी यार कुछ नहीं, भीड़ तो हो रही है, खाली भीड़ हो रही है। अभी हम आ गए इधर बैंड पे, यहाँ से दो रोड कटती है और यहाँ पर पुलिस वगैरह भी खड़ी है सेवा में।
पे अच्छा चीज नहीं है इधर। इंट्रो मिल गया हमारा आज का, अब चल रहे हैं आगे। है क्या कुछ आगे पीछे? घुमाते हैं, घूमने में क्या जा रहा है, पैर तो थका। कुछ नहीं आई है, जाम खत्म, भीड़ खत्म हो गई। अरे यार हमें ऐसे नहीं घूमना है, नीचे को चलते हैं। बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ गाड़ी, बढ़ाओ। ना कोई दोस्त, भगवान हम आए हैं भगवाली पोखर, यहाँ पर थे बद्रीनाथ है मंदिर 22 किलोमीटर, गगा से 8 किलोमीटर, बिनता है 5 किलोमीटर। जा रहा जा रहा, जा बद्रीनाथ जा भाई, नदी है यहाँ से, शीतला खेत है यहाँ से 40 किलोमीटर, कोसी है यहाँ से 36 किलोमीटर। चल आगे घूमते हैं, हम आगे भीड़ में जाते हैं, हम आगे दिखाते हैं आपको। सब सुविधा है वहाँ, धारा ले ले अपने लिए, कुछ लेना है तो ले ले यहाँ से। यह है उत्तराखंड पुलिस हैवी पेट्रोल। इस बंदे ने बोला भोपाली पोखर चल, बोला चल रहा, लास्ट में हैंगे यहाँ, कुछ ना कुछ कुछ मजा नहीं आ रहा है यहाँ। मेरे पास है और किसी को नहीं देती इधर, इन्होंने अलग से खाया नहीं कान पूछ पूछ कर। तो दोस्तों तेरे ग्लव्स वगैरह लटकाए हैं, अब देखते हैं ग्लव्स राइडिंग वाले हैं या वैसे हैं लोकल टाइप के। देख ले कह रहा हूँ मैं, मेरे पास भी दिए वाले हैं। नहीं मेरे अच्छे लग रहे, दोस्तों मैं सोच रहा था कि हाफ ग्लव ले लूं, लेकिन वो फुल में है, उतने मजा नहीं आ रहा उसमें ग्लव में। रॉन्ग साइड नहीं तारा, रॉन्ग साइड नहीं चलने का, दुर्घटना हो सकता है, दुर्घटना घटी गंभीर। हाँ और इसने सही लगा रखा इसे पहने करके, कुछ खास नहीं है यार मेले में, खाली कुछ नहीं है खास, कुछ नहीं है मेरे को जो, मैं तो जो रियलिटी बताता हूँ भाई। खाली भीड़ के अलावा है यहाँ, मोटी के लिए मोटी हमारी मोटी वही है जो F250। बर्तन ले जा अपने यहाँ से, कुछ तो ले जा। ये बता मामा सुन, है कि दुकान नहीं दिखी है? है कि दुकान ना है? छोड़ हम फास्ट फूड की दुकान तो नहीं दिख रहे हैं, इक्का दुक्का पर और कुछ नहीं दिख रहा। तो नहीं चाहिए तेरे 50 रुपये 3 जोड़े अपने पास, बस यहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर ख़त्म हो गया। क्या है इसमें पेड़ के अलावा है कुछ? कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ख़त्म, यहाँ से शुरू यहीं पर ख़त्म, और राइट हैंड साइड को चलते हैं सर, और थोड़ा राइट हैंड साइड को घूम के आते हैं,
चल चल, ये डांस वाला भी तो हो रहा था, पता नहीं कहाँ हो रहा था वो। दोस्तों कुछ नहीं है इधर को, नहीं तो वैसे ना फास्ट फूड की दुकान में बहुत सारी लगी रहती थी, भाई यहाँ कुछ नहीं लग रही, ना कपड़े ठीक दिख रहे हैं ना कुछ सही दिख रहा है। क्या कर रहा है अभी तक ऊपर लग रहा है जो तो ऊपर मार के आते हैं राउंड, कुछ नहीं ऊपर टेंट यहाँ ऐसा लगा है ना इधर, कोई अच्छा पता नहीं चल रहा है रास्ते का कहाँ पे। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी वो मेले से बाहर आ चुके हैं इधर साइड को, और वहाँ से राइट हैंड साइड को, और इधर लगा है टेंट वगैरह, अभी इधर साइड देखते हैं इधर क्या क्या सिस्टम है। आपको इधर तो खाली थोड़ी दुकान ही दुकानें लगे हैं और भीड़ है, यहाँ देखते हैं यहाँ कितनी भीड़ वगैरह हो रही है, और जैसा भी होगा हम आपको दिखाएंगे इधर साइड का। और दो दिन पहले मैंने एक ब्लॉग बनाई थी तो नेट की वजह से थोड़ा वो अभी तक अटकी है, अभी तक आया नहीं है, तो कोशिश करते हैं उसको आज ब्लॉग भाई कॉपी भगवाली मेरी का भगवाली पोखर लग रहा है। इधर है लगे दुकान, इधर है ग्राउंड, और यहाँ पर डांस वगैरह चल रहा है, तो आज प्रोग्राम दिखाते हैं, यहाँ चल रहा है प्रोग्राम। जैसे यहाँ देखो भीड़ कितनी हो रही है, यहाँ इतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ बाहर है भौतिक में। साइड टेंट हाउस द्वारा यहाँ पर फूड स्टॉल एक लगाया गया है, और भाई भंडारी जी द्वारा जिनका साउंड सर्विस है और टेंट हाउस है उनका भी फूड स्टॉल लगा है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पर दी। और आज एक नए स्टॉल के रूप में नौसरा से श्री महेश खाती जी और कैलाश पिस जी का भी यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है फूड स्टॉल, उनका भी हम मंचन के सहयोग से चलता है। और हमारे लेखा परीक्षक से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री जीवन अधिकारी जी से कुछ लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, उनका वाचन यहाँ से कर रहे हैं। भगवाई कौतिक 2022 कुछ धनराशि हमारी कमेटी को प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है, श्री पंकज के द्वारा सर श्री भगवत सिंह हीरा सिंह अधिकारी के दोस्त से ताली बजा रहे हैं। दोस्तों इधर चल रहा है कार्यक्रम, और पीछे भीड़ देख सकते हैं कितना है, देखिए आर के भीड़ लग रहा है, और एक प्रोग्राम बना आर के हमने वीडियो उसको अलग से वीडियो में अपलोड करेंगे, और बाकी अभी आते हैं तो बाहर पे चल रहे हैं, हम मिलते हैं आपको बाहर जाके। भीड़ थोड़ा पहले से ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा दिन तो बहुत होगी, शाम को आएंगे ज्यादा, तो दिन में थोड़ी आएंगे, आते हैं भाई दिन में तो दोस्तों पहले हम अपनी गाड़ी देख के आते हैं आगे सही सलामत है नहीं है, और उसके बाद से वापस आते हैं घूमने के लिए। तो भाई साहब दोस्तों देख सकते हैं भीड़ कितनी लग चुकी है, अभी जैसे जैसे शाम होती जाएगी भीड़ लगती जाएगी, अभी तो दिन नहीं आया फिर भी। भाई साहब बच्चे और क्या खुश, यहाँ पर है तालाब, जो गर्मी हो गई यहाँ पर नहा भी सकता है। अब आगे तक जाते हैं घूमने के लिए,
बोल दूंगा अभी कुछ नहीं आप ऐसी दिखाता हूँ आपको, जनता दिखाता हूँ जनता। भीड़ पीछे को भी इतनी जबरदस्त वाली हो रखी है, मौसम एकदम धूप वाली हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है ना, पसीना आ रहा है ऊपर से बहेंगे, इतनी गर्मी। प्रोग्राम भी चल रहे हैं तो अभी हम मार्केट तरफ आए घूमने के लिए, फिलहाल फिर जाएंगे वहीं प्रोग्राम देखने। बहुत जबरदस्त वाली हो रही है अभी, जिस टाइम आए उस टाइम कम थी। हमको मिल गए थे हमारे मित्र कॉलेज के खुर्दा, तो हमने उनसे फाइनली मुलाकात कर ली है। रानी के कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष पूरन, तो हम अभी आगे को चल रहे हैं, आपको भीड़ दिखाते हैं कितना हो रखा है, गर्मी इतनी हो रही है कि क्या बताऊं मैं आपको। मौसम हुआ है चंगा, अरे जेब साफ होने में टाइम लगेगा, संभाल के रखना जेब। जिंदगी फोन में पड़ी है, जिंदगी फोन है सब उसी में फिलहाल, तो डॉक्यूमेंट से लेकर अभी मतलब पेमेंट आगे तक कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, पूरी पीढ़ी भीड़ लगी है। भाई साहब इतनी भीड़ है, कौतिक देखा है तो भीड़ है भाई साहब, आधे घंटे एक घंटे में आधे घंटे में आएंगे ना वहाँ से ऊपर से नीचे, वो और भीड़ होगी। डेरे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसी भीड़ भी बढ़ती जा रही है दोस्तों। दो बजे तक आएंगे उसके बाद नहीं, हाँ उसके बाद जाएंगे, दो तीन बजे तक आएंगे लास्ट, यहाँ लोकल के तो शाम को ही आएंगे ना। तो गाइस हम अभी ढूंढ रहे हैं फास्ट फूड की दुकान, हाँ ऑनलाइन पेमेंट हो, पहले पेमेंट करेंगे फिर खाएंगे वाले भाई, ये तो ऑनलाइन कितनी नीचे यार, यहाँ चल यहाँ देख, हाँ यही है चल ऑनलाइन है, हाँ है दोबारा बोलो कट गया था। होटल का नाम क्या है पता नहीं, तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर कर दिया हमने, यहाँ भीड़ देख सकते हैं कि जबरदस्त वाली हो रही है, चाह रहा कि मुँह में पानी आ रहा है, टपक रहा है। रूम पर रहेंगे उधर है दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर मोमो वगैरह ऑर्डर करते हैं, मोमो खाएंगे अभी, खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। करा सब्र नहीं हो रहा, सब्र भाई भूख लगी है उसको, कितने दिनों से नहीं खाया होगा भाई, सुबह से भूखा हूँ भाई, सुबह से भूखा हुआ दोस्तों, पसीने से होगी हालत खराब। 200 रुपये का चुनाव लगा दिया, 200 रुपये का अब पेट पूजा हो चुकी है, यहाँ से निकलते हैं मजे, थोड़ा और घूमते हैं फिर उसके बाद से निकलते हैं। अब हुई थोड़ा भीड़ कम, भीड़ भी कम हो चुकी है थोड़ा, मेरे को कैब लेना है कहीं, कैब के दुकान में चला तरुण सर, तारा को ये आगे पसंद ये ले ले भाई ले ले, मेरे मोटो को देना, ऐसे आई रे मेरे मोटो, मोटो को देना अपने, मेरी मोटो को अपने मोटो को देना, मोटो को दूंगा ना। तो दोस्तों दोबारा से साला तारा हमारा ऐसे ही है कि साला दोबारा से यहीं मैं लेके आ रखा इसको दोबारा, क्योंकि घर जाने की जिद कर रहे थे, लखेड़ा भाई को मन नहीं करता, हमने कहा चलो फिर से चक्कर मारते हैं, क्योंकि यहाँ ये इंसान ऐसा है ना जो एक बार ये बोल देता है तो दोबारा बोलना भूल जाता है, बोल जल्दी बोलो। तो गाइस मैं इससे कह रहा था कि तू अभी घर जाके करेगा यार, रूम पर अकेले ही है, थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं, रंगारंग कार्यक्रम देख लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं घर को। हरियाला जी और किया क्यों नहीं देखेगा तो, और यहाँ से हमारा प्लान शायद बागेश्वर जाने का भी हो सकता है। नहीं हो सकता, मैं ले जाऊंगा अभी, अभी टाइम नहीं है ना, यानी तो पक्का जाता, सुबह के टाइम होता ना बागेश्वर पक्का निकल जाता। बागेश्वर का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा मेरे साथ।
तो पूरे मेले थे मैंने एक चीज लिया ये अभी 30 रुपया मेरे पैसे से तो तेरे को आवाज दे दूंगा ना तो दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली तारा मान गया घर जाने के लिए इसको मैंने मनाया दूध पिलाया जिसको मिलने आए थे वो आए हैं नहीं आज लकड़ा भाई की मेरे इनकी समझ आएगी को आप यहाँ से निकल रहे हैं 2 घंटे रास्ता तय करना है भैया 2 घंटे नहीं यहाँ से बाइक बगानी है सीधे रानी खेत अभी गोल्फ ग्राउंड में बैठना है हमने पहले गोल्फ ग्राउंड में आराम से वहाँ मजे करेंगे उसके बाद से फिर तरुण सर भी आ रहे हैं वहाँ उसके बाद से निकलेंगे हम अरे बूट कैंप के लिए कहाँ जा रहे हो पहले बताओ दोस्तों अभी भीड़ काफ़ी है जबरदस्त वाली हो रखी है इधर को और बाकी हम तो अब निकल रहे हैं घर को और गाड़ी की तरफ को जा रहे हैं हम अपने और आप पहन जाएगा चश्मा क्योंकि पूरे मेले में नहीं पहना है मैं तो हेलमेट और वाइजर लगाऊंगा फर्स्ट क्लास करके तो दोस्तों फाइनली यहाँ से तो खत्म हो चुका है अब इधर को अब हमारी गाड़ी लगा के आ गई अब हम गाड़ी लेके चलते हैं अब निकलते हैं रानीखेत को और आपको मिलेंगे अब सीधे रानीखेत जाके मैं तो ब्लॉग एंड कर रहे हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे अब अगले से ब्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।